हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही बेहतर शानदार डिजाइन लेकर आए हैं, जो आप देख सकते हैं सामने। इसको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या विला के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका व्यू होगा, और इसको अगर टॉप व्यू में हम करते हैं तो इस तरह से आपका टॉप व्यू दिखता है। आप देख सकते हैं ये आपकी आउटर जो बाउंड्री वॉल रहेगी, ये बाउंड्री वॉल है। तो आपको जो ऑल डायमेंशन इसकी गाइस एमएम में है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि काफी ज्यादा डायमेंशन हो गई थी। इस प्लॉट का साइज आपका टोटल गाइस 30,000 बाई 40,000 एमएम है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका टोटल साइज है 30,000 एंड लेंथ आपकी 40,000 एमएम। ऑल डायमेंशन इज एमएम। गाइस, यहाँ से एंट्री करेंगे आप मैन गेट से। ये मैन गेट आपका यहाँ पे कार पार्किंग मिलने वाली है बहुत ही बिंदास। कई अन्य गाड़ियां, मल्टीपल गाड़ियां यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। इसका साइज गाइस 10,000 बाई 13,000 एमएम है। एंड आपको लेफ्ट में एक स्विमिंग पूल मिलता है जिसका साइज 10,000 बाई 10,000 एमएम है। ये गाइस आपको लग्जरी बिला डिजाइन मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसमें जो साइड की छोड़ी गई है आपकी 2000 एमएम है, एंड इस साइड वॉल के बीच में स्पेस 2000 एमएम छोड़ा गया है। एंड रोड से स्विमिंग पूल की डिस्टेंस आपको 2700 एमएम मिलने वाला है। इसके अलावा आप इधर पूरा में गार्डनिंग कर सकते हैं, साइड में गार्डनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इधर का एरिया काफी ज्यादा मिलने वाला है, 7500 बाई 9500 एमएम। इधर का भी सेम एरिया है। एंड इस बालकनी से और बाउंड्री वॉल का 3150 एमएम मिल रहा है, इधर से भी 3150 एमएम मिल रहा है। तो चलिए आप एंट्री करते हैं अपने बिला में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट है इसका बिला में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ से इसका स्लाइडिंग डोर लगेगा, ये 2500 एमएम है मैन। तो यहाँ से लेफ्ट में आपको एक लिफ्ट मिल रही, सॉरी राइट में लिफ्ट है, इसका साइज 2000 बाई 1900 एमएम है। और ये पैसेज जो है आपका, इसका एरिया आपका 4000 बाई 5000 एमएम है। एंड जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस का आपका 2700 बाई 2900 में स्टेयर केस कम्प्लीट हो रहा है, जिसमें आपकी लैंडिंग और स्टेप की चौड़ाई जो है 1200 एमएम, एंड आपकी स्टेप है वो 2250 एमएम की है। एंड राइजिंग आप अपने बिल्डिंग राइजिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 180 से अब नहीं होगी। एंड आप सीधे जाएंगे तो आप लॉबी एंड हॉल में एंट्री करेंगे इस गेट से। एंड इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे डोर मिल रहा है, काफी खूबसूरत मिलने वाला है। एंड यहाँ से आप डायरेक्ट अपने ड्राइंग रूम में जा सकते हैं, जिसका साइज 7600 बाई 5000 एमएम है। एंड इसमें एक आपको कॉर्नर पर टफन ग्लास मिलने वाला है लगने वाला, जो कि आप इसका अपने स्विमिंग पूल का व्यू यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। एंड यहीं से आप अपने लॉबी में भी एंट्री कर सकते हैं, एंड बेडरूम, गेस्ट बेडरूम में भी। तो पहले गेस्ट बेडरूम में चलते हैं। गेस्ट बेडरूम का आपका साइज है 5000 एमएम बाई 5000 एमएम। तो इसमें आपको एक बालकनी मिलती है जिसका साइज 1200 एमएम है चौड़ाई, एंड आपकी फुल लेंथ में है। इसमें भी आपको एक डोर मिलता है बालकनी के लिए, एंड एक विंडो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपको जो टॉयलेट मिल रहा है, कमांड है, कम लो टॉयलेट कम बात है। इसका साइज 3000 × 2000 है। एंड इसके वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन आपको दिया गया है। एंड इसके साथ ही आपका कपबोर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका ड्रेसिंग रूम हो सकता है। एंड यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं अपने लॉबी एंड हॉल में। तो यहाँ से आपको 3 एंट्री मिलती है लॉबी एंड हॉल के लिए, ये 2 और ये 3। तो यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे राइट में आपको एक टेम्पल मिलता है जिसका साइज आपको 1800 बाई 2000 एमएम है। एंड इसी के जस्ट सामने आपको स्टोर मिलता है जिसका साइज 1800 बाई 2000 है। एंड आपको जो किचन मिल रहा है जिसका साइज 3100 एमएम है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप पूरा आर्क टाइप डिजाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक इसका मैन गेट, तो ओपन किचन काफी सुंदर बनने वाला है। एंड ये आप टेम्पल का भी आप आर्क बना सकते हैं। तो इसमें आप बालकनी में जाने के लिए एक गेट भी दिया गया है, एंड विंडो भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, एंड चिमनी के लिए आपको एक वेंटिलेटर दिया गया है।
आपको लॉबी एंड हॉल का साइज काफी बड़ा मिलने वाला है, जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं। इसका साइज 10,100 x 7100 है। एंड लेफ्ट में आपको आगे चलने पर बेडरूम मिलते हैं, बेडरूम का साइज 5000 x 5000 mm है। इससे आप ड्रेसिंग रूम में 1800 x 2400 का है। यहाँ से आप टॉयलेट में जा सकते हैं। इसका साइज 1800 x 2500 mm है। इसके वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर प्रोवाइड किया गया है। इधर आप अपने कबर्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिलता है, जो कि आउटर साइड में, यहाँ से आप बालकनी में एग्जिस्ट करने के लिए एक डोर मिलता है। और इस बालकनी का साइज भी आपको 12 mm चौड़ाई मिलने वाली है। सेम आपको सेकंड बेडरूम का भी प्रोविजन मिलता है। आप इस रूम से भी इस रूम में जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो आपकी ये कॉमन बालकनी मिलने वाली है। तो इस बेडरूम का भी सेम साइज है, 5000 x 5000 mm, जो कि आप काफी बड़े बड़े रूम है। इसमें भी विंडो है, डोर है। एंड ड्रेसिंग रूम में आपको यहाँ पर आप ग्लास लगा सकते हैं। यहाँ से आपको एक WC मिल रहा है, कमांड लेट बात है, जिसका साइज 1800 x 2500 mm है। इसके वेंटिलेशन के लिए इधर से प्रोविजन रखा गया है। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन कंप्लीट होता है गाइस। इधर का भी काफी एरिया है, जो आप देख सकते हैं, 7500 x 5000 mm है। इसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसको आप मल्टी स्टोरी डिजाइन कर सकते हैं, बट ये अभी फिलहाल में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही डिजाइन किया गया। ऐसा कुछ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8192827743 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो और मल्टीपल वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप ऑल वीडियो वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।